ये जो हमारी कौम आज जुमे के बयानात में आकर उलमा के सामने नहीं बैठ रही, इसकी वजह क्या है? हमारे उलमा ने तैयारियां करना छोड़ दी। बहुत ही कम आपको ऐसे आलिम मिलेंगे जो हर जुमे के बयान की तैयारी के लिए कुरान खोलें, तफसीर खोलें, हदीस खोलें, शरह खोलें, फिकही बारात निकालें, अकाबरीन की तालीमात का निचोड़ निकालें, तब एक मुदल्लल बयान बनाकर पब्लिक के सामने पेश करें। क्या जरूरत है? तकरीरों की किताबें ले ली, एक आयत की तफसीर देखी, बस बयान कर देंगे, आधा घंटा तो निकालना है। अब तो फकीर के लिए आधा घंटा निकालना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यूं बयान शुरू करता हूं, यूं खत्म कर देता हूं। 25-25 साल से कौम सामने बैठी हुई है, लोगों को एक मसला सीखने का मौका नहीं मिल रहा है। लड़के लड़कियां बाजी कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं, हराम कर रहे हैं, लड़कियां लड़कों से दोस्तियां कर रही हैं, अपने माँ बाप की, अपने भाइयों की गर्दने शर्म से झुकाने के लिए गंदी हरकतें कर रही हैं। और यहां सब बयान देखने पब्लिक कुछ चाह रही है, बयान इधर जा रहा है, पब्लिक की सोचें इधर जा रही है। ना कोई करंट इश्यूज पे कलाम, ना मॉडर्न चैलेंजेस के बारे में कलाम। एक यंगस्टर, एक पढ़ा लिखा नौजवान क्या करेगा मस्जिद में आकर? आपके सामने आधा घंटा बैठ के क्या करेगा? क्यों बैठे वो? वो उस वक्त निकल कर आएगा जब आपके दूसरे खुतबे जुमे की अजान के लिए माइक में खड़खड़ खड़खड़ पैदा होती है ना, ये मखसूस और बड़ी महबूब सी आवाज नौजवानों ने यहां अपनी मेमोरी में फिट कर रखी है। ओह, जुमे का टाइम हो गया, भाग के बस पहुंच जाते, नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद वो सुनन नवाफिल नहीं पढ़ते। आप देखें जुमे की नमाज खत्म होती है, हमारे नौजवानों को रश जूतियों पे ज्यादा नजर आएगा, जैसे 5-5 हजार के नोट बांट रहे हैं। क्यों भागते हैं वो? हमने बेजार किया है उन्हें, उलमा ने बेजार किया है, हमारे जुमे की नमाजें पढ़ाने वालों ने कौम को बेजार किया है दीन से। जब एक नौजवान की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होगी, वो क्यों आगे आके आपके सामने बैठेगा? हमने एक लिस्ट बनाई है कि आजकल नौजवानों के ये मसाइल हैं। मसाइल क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं, इसका हल क्या है, हल पे इस्तिकामत कैसे मिलेगी, की है हमने तैयारी? क्यों आएगी कौम हमारे पास? फिर हमारा शिकवा, पता नहीं ये कौम आजकल उलमा को छोड़ चुकी है। अब देखो उलमा की कदर नहीं रही, कदर की नहीं जाती, कदर करवाई जाती है। आपने अपने कदर करवाने के लिए क्या किया ये बताइए। कौम को बुरा भला कहने से बेहतर यह है कि मैं और आप अपने गरीबान में झांकें और अपने बारे में गौर तफक्कुर करें कि हमने कौम को क्या दिया। मैंने यूके में एक दफा वरासत के मसले बयान किए, जुमे का बयान था, मैंने वरासत के मसाइल बयान किए। एक शख्स मेरे पास आया, कहने लगा 63 साल हो गए, बूढ़े थे, 63 साल हो गए बयानात सुनते हुए, आज जिंदगी में पहली बार मिंबर से मैंने ये मसले सुने। ऐसी एक जगह मैंने तकदीर के मसाइल बयान किए, मसले तकदीर को बयान किया, उसकी अकसाम जिक्र की। एक 70 साल शख्स सामने आया, कहेंगे साहब दाढ़ी सफेद हो गए, 70 साल मेरी उम्र है और आज पहली मर्तबा मुझे मसले तकदीर समझ में आया। जो अकायद से मुताल्लिका चीजें हैं, जो अहकाम शरईया अमलिया हमारी जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी हैं, गुनाहान सगीरा और कबीरा और जाहरिया और बातनिया, जिनका जानना हम पर फर्ज ऐन है, जिनकी मारिफत और इलाज, इन पर कोई कलाम नहीं। संजीदगी के साथ, इस्तिकामत के साथ, एक तरतीब के साथ, एक रोड मैप बनाकर, नो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में हदीस लेकर, बुखारी लेकर, हमारी कौम के बच्चों को जहन खराब कर रहे हैं। लेकिन हैं हम ये जहन बनाएं यार, इस चैलेंज का मैं मुकाबला करूंगा? नहीं, भाड़ भेजा। खाने पीने से फुर्सत मिले, दोस्तियां निभाने से फुर्सत मिले, बीवी बच्चों के लाड उठाने से फुर्सत मिले, तो नबी करीम के दीन को भी देख लिया जाएगा। लोग तबाह हो रहे, होने दो, हमें क्या जरूरत? गलत। अगर हम साहिब इल्म हजरात ही इन चीजों का रद्द नहीं करेंगे, अपनी कौम को इस लानत और इस खतरे से नहीं बचाएंगे, मैं यकीन से कहता हूं आपकी आने वाली नस्लें भी नहीं बचेंगी।